पंजाबी बाग के मनोहर पार्क इलाके में घर में घुसकर उस वक्त एक 65 साल की बुजुर्ग महिला की हत्या कर दी गई जब वो घर में अकेली थी। जिस वक्त ये वारदात हुई उस वक्त महिला का पति अपनी दुकान पर था और महिला का बेटा घर से बाहर था। हत्यारे ने पहले तो महिला की हत्या की और उसके बाद महिला के बेटे को फोन करके वारदात की जानकारी भी दी। मेरी मदर को मार दिया गया और पैसे लूट लिए। जो फोन किया था उसने क्या क्या फोन पे कहा क्या कहा? सर कि आपकी मदर को किडनैप कर लिया है और आप आ जाओ, कल सवेरे फोन करूंगा, आपको 50 लाख रुपए देने हैं। आनन फानन में महिला के बेटे समेत जब अन्य परिजन घर पहुंचे तो घर में उस मंजर को देखकर हैरान रह गए। महिला के हाथ पैर टेप से बंधे हुए थे, महिला के सिर और दूसरे हिस्सों पर चोट के निशान भी थे। घर में रखी सारी अलमारियां खुली हुई थी और सारा सामान फर्श पर बिखरा हुआ था। घर की अलमारियां खुले होने और घर में चारों तरफ सामान बिखरे होने से पुलिस लूटपाट के इरादे से की गई हत्या मानकर चल रही है। लेकिन जिस तरह से महिला की हत्या करने के बाद बेटे को फोन कर जानकारी दी गई, उससे ऐसा लगता है कि 65 वर्षीय बुजुर्ग महिला की हत्या घर के ही किसी जानकार ने की है। बहरहाल फिलहाल पुलिस कुछ भी कहने से बच रही है और इस केस की हर एंगल से जांच कर रही है।